क्लास 11th रसायन विज्ञान सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये है आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, तो पहले आपको समझना होगा कि जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है, रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्व का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। यानी कि आपके जीवन में केमिस्ट्री का कितना बड़ा योगदान है यहाँ पर आपको दिया गया है। और कक्षा 11th के चैप्टर नंबर 1 जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, क्योंकि ये आपको क्लास 12th में भी मिलेगा और इस चैप्टर से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन क्लास 11th में बनता है। इसको लिखे हैं रोवर्ल्ड हॉफमैन ने। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको उद्देश्य दिया रहेगा, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले आपको पढ़ना होगा रसायन विज्ञान का विकास। जी हाँ दोस्तों, रसायन विज्ञान का विकास कहाँ से हुआ, पहले आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कक्षा 11 के छात्र हैं तो आप सिर्फ NCERT से ही पढ़ें, क्योंकि NCERT इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एनी क्लास एंड एनी चैप्टर इज़ द मोस्ट क्लियरलेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द इंडिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको NCERT से ही आपके क्वेश्चन पेपर बनेंगे, चाहे क्लास 11th या क्लास 12th। तो रसायन विज्ञान का विकास आप पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से रसायन विज्ञान का शुरुआत हुई, तो यही सब आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा रसायन विज्ञान का महत्व, ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व। आप सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, आपका जो है पूरा सिलेबस तैयार होते जाएगा क्लास 11th का। इसमें आपको उर्वरकों, क्षारों, अम्लों के बारे में पढ़ना रहेगा, तो इसका भी आपको जो है इम्पॉर्टेंट पढ़ लेना है। फिर आपका आएगा द्रव की अवस्थाएं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के चैप्टर 1 का। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको द्रव्य की प्रकृति पढ़नी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन फंसते हैं। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो आपको द्रव का वर्गीकरण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, द्रव पहले मिश्रण होता है एक तरफ शुद्ध पदार्थ होता है, तो मिश्रण दो भागों में बढ़ जाता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, और शुद्ध पदार्थ दो भागों में बढ़ता है, तत्व और यौगिक, इन सभी को भी आपको पढ़ना है। फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा भौतिक गुण धर्मों का मापन। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 12th में भी आपको पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 का एनालिसिस बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर का आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, आप सिर्फ वही पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए वही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है भौतिक और रासायनिक गुण, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधार भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक याद कर लेने हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा कर ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। द्रव्यमान और भार, इसका भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप बुक लेना ही है तो आप NCERT ही ले, क्योंकि NCERT ये जो है आपको पार लगाएगा क्लास 11th, क्लास 12th और आगे भी। आप बी फार्मा, BSc चाहे जो करें, वहाँ पर आपको जो है सिर्फ NCERT चलेगा। तो दोस्तों, ये है 2023 का चैप्टर नंबर 1 का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप इतना तैयार कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन लाऊंगा, वहीं से आपके एग्जाम में फंसेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।